वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैपिटल रिपोर्ट। गाड़ियों का बीमा महंगा होना तय है। बीमा रेगुलेटर IRDA ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा दरें बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। उनकी इस मांग को प्राइवेट गाड़ियों और टू व्हीलर के लिए ये बढ़ोतरी 10% तक हो सकती है, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए दरें 80% तक बढ़ सकती हैं। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपनापैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा जी। रुंगटा जी, सबसे पहले छोटे वाहनों में अगर दरें बढ़ती हैं प्रीमियम के तौर पर, कितना बोझ बढ़ने वाला है? खैर, छोटे वाहनों पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्रीमियम की रेट्स रीजनेबल है और इंक्रीज जो हो रहा है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आई थिंक लिमिटेड इम्पैक्ट होगा उस इंक्रीज का छोटे वाहनों पर। और बीमा कंपनियों की मांग रही है कि कमर्शियल व्हीकल में उन्हें काफी नुकसान होता है, तो 80% की ये बढ़ोतरी क्या काफी होगी? तो खैर, ये कहना मुश्किल है। ये तो लंबे कई दिनों से ये कशाकशी चल रही है इंश्योरेंस कंपनीज और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की लॉबी खैर बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो किसी का भी केस नहीं है कि थर्ड पार्टी ये जो पूल बना हुआ है ये इनडेफिनेटली लॉस में जा सकता है। तो क्लियरली रेट्स तो बढ़ानी होंगी। अभी जो रिपोर्ट आई है पूरी तरह से स्टडी नहीं करी है, बट एक्सपोजर ड्राफ्ट है, कमेंट्स मांगे गए हैं, तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। जितना IRDA ने एक्सपोजर ड्राफ्ट में रिकमेंड किया है उतना वो कर पाएंगे कि नहीं ये देखना बाकी है, लेकिन इसमें काफी हो हल्ला होगा, लेकिन इंक्रीज तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है, इसे बढ़ना चाहिए था, ये कदम बिल्कुल सही दिशा में है? क्लियर, ये भी क्लियर है कि पूल लॉस में जा रहा है, आई थिंक वो तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। इवन ट्रांसपोर्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं वो भी ये तो नहीं डिस्प्यूट कर रही हैं कि ये पूल लॉस में जा रहा है। और अगर पूल इनडेफिनेटली लॉस में तो नहीं रह सकता, तो आई थिंक क्लियरली इंक्रीज तो होना ही है। अब कितना इंक्रीज एक्सेप्टेबल होगा ये तो मेरे ख्याल से थोड़े वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इंक्रीज होना तय है, क्योंकि इनडेफिनेटली ये लॉस कौन भुगत सकता है? इंश्योरेंस कंपनीज तो ये लॉस नहीं भुगत पाएंगी। जी, तो आपको क्या लगता है कितना इंक्रीज होना चाहिए, क्या आइडियल रेट हो सकता है? क्योंकि अभी सुझाव ही मांगे गए हैं, जैसा कि आपने बताया ड्राफ्ट है, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? खैर, आई थिंक इसमें तो काफी डेटा बेस्ड ये एनालिसिस होगा, कई इसके सेगमेंट्स हैं, इसके कई पहलू हैं, तो एक फिगर फेंकना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और डिफरेंट सेगमेंट्स में लॉस रेशोज है, कब तक, अब इन्होंने इस एक्सपोजर ड्राफ्ट में कई पहलुओं पे IRDA ने कहा है। एक तो पहले के मोटर व्हीकल्स एक्ट में लाइबिलिटी लिमिटेड हुआ करती थी, अब उसको अमेंड कर दिया गया है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई है। सेकेंड, जो एक लिमिटेशन पीरियड है वो क्लेम कभी भी हो सकता है, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में। तो ये हर पहलू से इम्पैक्ट पड़ता है कि पूल पर कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि इंक्रीज कितना होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बढ़ सकता है इंश्योरेंस का प्रीमियम, अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और कुछ समय बाद फैसला भी ले ही लिया जाएगा।